नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। यूपी चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को ट्रंप कार्ड के रूप में करेगी इस्तेमाल। 29 जुलाई को लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कर सकती है संबोधित। 100 रैलियों का बना है प्लान। ऊना दलित पिटाई मामले में राजनीति परवान पर। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल ने पीड़ितों से की मुलाकात। पीएम मोदी पर हमला बोला। मायावती बोली, लोग मुझे देवी मानते हैं। दया शंकर के खिलाफ FIR दर्ज कराकर बीजेपी जीत सकती थी दिल। BSP में होड़, किसी ने कहा काटो जुबा, कोई बोला DNA में दोष। लोकसभा में पाक पर गरजे राजनाथ, देश में आतंकवाद के लिए ठहराया जिम्मेवार। कहा कश्मीर के कुछ नौजवानों को हो रही है बरगलाने की कोशिश। युवाओं की देशभक्ति पर संदेह का सवाल नहीं। और अगले 48 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। 23 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में भी अच्छी बारिश की संभावना। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रियंका गांधी को ट्रंप कार्ड के रूप में प्रदेश की राजनीति में उतारने जा रही है। प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में आगामी 29 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकती है। लखनऊ की इस रैली में प्रियंका करीब 60,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। बता दें, इससे पहले प्रियंका सिर्फ रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर तक ही प्रचार करती थी, लेकिन इस नए प्लान के तहत वो प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा में कांग्रेस के लिए वोट मांगती नजर आएगी। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में प्रियंका करीब 100 रैलियां करेंगी। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को इस रैली में प्रियंका के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित, प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात में दमन का माहौल है। यहाँ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, दलित समाज के बच्चों से मेरी विनती है कि आप आत्महत्या की कोशिश ना करें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ऊना के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने भी ऊना पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल है, तो दूसरी तरफ RSS, गोवलकर और नरेंद्र मोदी। यहाँ पर भी जो इस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी बड़े कॉरपोरेट के साथ लड़ता है, उसे दबा दिया जाता है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। BSP चीफ मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर पार्टी ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है। BSP के कई कार्यकर्ता और नेताओं ने दयाशंकर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बसपा द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में दयाशंकर के खिलाफ कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चंडीगढ़ की पार्टी अध्यक्ष जन्नत जहां ने कहा, जो व्यक्ति दयाशंकर सिंह की जीप काटकर लाएगा, उन्हें 50 लाख का इनाम मिलेगा। दयाशंकर के बयान को लेकर BSP की MLA उषा चौधरी ने कहा, दयाशंकर के DNA में ही गड़बड़ी है। दयाशंकर के खिलाफ BSP ने कई राज्यों में मोर्चा खोल रखा है। BSP के बैनर और पोस्टर में दयाशंकर के लिए कुत्ते जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने बिना पैन कार्ड का डिटेल भरे बड़ी धनराशि का बैंक के माध्यम से लेन देन किया है, तो सावधान हो जाए। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों की लंबी सूची तैयार की है जिन्होंने ऐसा किया है। शुरुआती तौर पर IT विभाग ऐसे 7 लोगों को पत्र लिखने वाला है और उनसे जानकारी मांगी है। अगर वे सही समय पर जानकारी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक आयकर विभाग के पास 2009-10 से लेकर 2016-17 तक कुल 90 लाख ऐसे लोगों की जानकारी है जिन्होंने बिना पैन नंबर डाले बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन किया। विभाग बिना पैन नंबर का ब्यौरा दिए बड़ी धनराशि का ट्रांजैक्शन करने वाले 7 लाख लोगों को शुरुआती नोटिस जारी करने वाला है।
21 संसदीय सचिव के मसले पर अब दिल्ली सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी ओर से आधिकारिक जवाब दे दिया है, लेकिन रोचक बात यह है कि दिल्ली सरकार ने कुछ अहम तथ्यों पर साफ साफ जवाब देने से बचते हुए सवालों को ये कहकर टाल दिया कि इन संसदीय सचिवों से मंत्री काम लेते हैं और वही बता सकते हैं कि इन संसदीय सचिवों से कौन सा काम लिया जा रहा है और प्रशासन विभाग को संसदीय सचिवों के कामकाज की जानकारी नहीं है। इन सचिवों को कौन सी सुविधाएं मिल रही है उस पर भी विभाग ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में वो उन विभागों से जानकारी लेकर चुनाव आयोग को बताएंगे जिन विभागों के साथ ये संसदीय सचिव काम कर रहे हैं। अब देखते हैं खबरें जल्दी जल्दी। दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन भी अब तैयार होने वाली है। आईटीओ से कश्मीरी गेट तक ये लाइन पूरी तरह अंडरग्राउंड है, इसके लिए टनल तैयार कर ली गई है। ट्रैक बिछाने के बाद अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक इस लाइन पर अगस्त के आखिर में ट्रायल रन शुरू होगा जो करीब 2 महीने चलेगा। ट्रैक ओएचई और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के बाद कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी इस लाइन का निरीक्षण करेंगे और अगर हरी झंडी मिलती है तो इस साल के आखिर तक लोगों को इस लाइन पर मेट्रो के सफर की सुविधा मिल जाएगी। इस लाइन पर तमाम ऐतिहासिक इमारतों के होने से मेट्रो लाइन को हेरिटेज लाइन का नाम दिया गया है। आईटीओ के आगे दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला जैसे मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में अगले 48 घंटों में मानसून की बारिश में एक बार फिर तेजी आ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मानसून हिमालय की तलहटी से खिसक दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू कर देगा। इस वजह से जहां एक तरफ गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में 22 तारीख की रात से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ हिमालय के तमाम इलाकों में मानसूनी बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों में भी 23 जुलाई से अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मानसूनी बारिश का ये दौर जुलाई के अंत तक चलेगा। राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला 23 जुलाई से देखने को मिलेगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।